हम आपकी तंबाकू छुड़ाना चाहते हैं। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। ये बेफिक्री मौत की गर्त में ले जाने के लिए काफी है, बिना किसी शर्त, बिना कोई दस्तक दिए, एकाएक दबे पांव मौत का इंतजाम हो रहा है। लोग चबा चबा के मौत का स्वाद आहिस्ता आहिस्ता ले रहे हैं, बिना किसी मदद के, बिना कुछ सोचे। यहाँ जिंदगी इस रफ्तार से धुआं हो रही है कि दुर्घटना कभी भी हो सकती है। इसीलिए जिंदगी के लिए फिक्रमंद होना पड़ेगा, क्योंकि हर जिंदगी अनमोल है। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। नमस्कार, मैं गौरव के पांडे। गर्मी की दोपहर हो और किसी पेड़ की छांव के नीचे आप बैठकर कोल्ड ड्रिंक का मज़ा उठाना चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोगों के साथ आपको एक बात कॉमन नज़र आएगी, वो ये कि चाहे चाय की चुस्की हो या कोल्ड ड्रिंक का सिप, हाथ में एक सिगरेट ज़रूर नज़र आएगी ज़्यादातर लोगों के साथ। दोस्तों का साथ हो तो सिगरेट, मौसम अच्छा हो गया तो सिगरेट, या जो लोग तंबाकू का इस्तेमाल अलग अलग फॉर्म्स में करते हैं, जैसे कई लोग गुटखा खाते हैं, कई लोग खैनी खाते हैं, उसका क्या नुकसान हो सकता है, इसको बताने के लिए, इसको समझाने के लिए आज हम बात करेंगे वर्ल्ड नो टोबैको डे की। एक दिन जिसमें ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचाई जा सके कि तंबाकू के इस्तेमाल से नुकसान कितना है। लेकिन पीछे जो दुकान दिख रही है, इसी तरह के कई दुकान आपको हर गली हर नुक्कड़ पर नज़र आएंगे, जहाँ हर वर्ग के लोग, हर आयु वर्ग के लोग और हर तरह के लोग आपको तंबाकू इस्तेमाल करता नज़र आ सकते हैं। ऐसे लोग, चलिए इस दुकानदार से भी ज़रा बात करते हैं, इसके पास कैसे कैसे लोग आते हैं, आइए। इस तरह के एड आप लोगों ने अक्सर सिनेमा हॉल में या चेतावनी किसी सीरियल के शुरू होने से पहले देखा होगा। एक साल घूम कर जब आया, अब मुझे कैंसर हुआ है, अब मेरा ऑपरेशन वाला है, शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा है, या सिगरेट के डिब्बे पर स्मोकिंग किल्स लिखा देखा होगा। पर इसकी जरूरत क्यों है? ये आपके अंदर डर पैदा करने के लिए है। तंबाकू से कैंसर होता है, लिखा भी है, मालूम भी है, फिर भी लोग पीते हैं। कितने लोग मरते हैं हर साल, ये रिपोर्ट देखिए। तंबाकू से होने वाली मौत के चलते विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के सदस्य देशों ने साल 1987 में वर्ल्ड नो टोबैको डे की स्थापना की। दुनिया में 60 लाख से ज्यादा मौतें तंबाकू से होती हैं। आपके अंदर डर को इस कदर बढ़ा देना चाहते हैं कि आप कभी तंबाकू को हाथ भी न लगाएं, क्योंकि तंबाकू नियंत्रण रिपोर्ट साल 2004 के मुताबिक भारत में तंबाकू के इस्तेमाल से हर साल 9 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। कैंसर से मरने वाले लोगों में लगभग 50% तंबाकू का यूज करते हैं। तंबाकू के इस्तेमाल से किस तरह से नुकसान होता है सबको पता है, उसके बावजूद लोग पीते हैं अपने रिस्क पे। आपके पास लोग आते हैं पीने के लिए, उनको पता होता है कि तंबाकू पीने से कैंसर होता है? सर, हमने तो बोर्ड लगा रखी है और उसमें जो अगर अवैध देखते हो, पढ़ते लिखते हो, अभी तो लिखते हो, उसके बावजूद लोग पीते हैं, हमारी क्या कसूर उसमें? नहीं नहीं, आपकी, आपका दोष नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब हर प्रोडक्ट पे ये लिखा है कि तंबाकू से कैंसर होता है, उसके बावजूद अगर आप या हम कोई भी इसका सेवन करता है, तो गलती किसी और की नहीं, गलती आपकी है। कितने साल से सिगरेट बेच रहे हो? मैं 3 साल से। 3 साल से। और सिगरेट, गुटखा, ये सब इस पर लिखा होता है कैंसर होता है, फिर भी लोग पीते हैं ना? बिल्कुल। तो जो पीते हैं उनको पता नहीं होता है? सब पता है, सब लिखा है क्यों नहीं? अच्छा, बस उसके बावजूद लोग पीते हैं। खैर, अच्छा एक बात बताइए, ये आजकल ये क्या हो गया है, ज़माना ख़राब हो गया है या कोई और बात है, बच्चे भी पीते हैं? बच्चे को देते नहीं सर, देते नहीं है नहीं। ये अच्छा काम करते हैं ये, अगर आप बच्चों को नहीं देते हैं तो अच्छा काम करते हैं, इसके लिए इनको साधुवाद देना चाहिए। आपका नाम क्या है? मुकेश।
मुकेश, यहाँ गुटखा सिगरेट लेने क्या बच्चे भी आते हैं या सिर्फ बड़े आते हैं? बड़े आते हैं, छोटे मोटे आते हैं। कभी कभी बच्चे भी आ जाते हैं? नहीं, कभी कभी आ जाते हैं, नहीं आते। बताइए बताइए, बोल दो उसमें क्या है, कोई परेशानी मत। अच्छा चलिए, एक बात बताइए मुझे आप, ये जो लोग सिगरेट पीने आते हैं उनको पता तो होता है कि सिगरेट पीने से या तंबाकू खाने से कैंसर होता है? बिल्कुल। फिर भी खाते हैं, फिर भी पीते हैं? और क्या, क्यों पता नहीं, क्यों अपनी मर्जी से पीते हैं खाते हैं। तंबाकू कैसे इतना जानलेवा हो जाता है, चलिए आपको ये भी बताते चलें। जब तंबाकू जलता है तो वो टार नामक एक पदार्थ को पैदा करता है जो धुएं के साथ फेफड़ों में जाता रहता है। टार में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कई कार्बनिक रसायन होते हैं। ठोस होने पर टार एक चिपकने वाला भूरा पदार्थ बन जाता है। ये दांतों ही नहीं बल्कि फेफड़ों पर भी असर छोड़ता है। फेफड़ों द्वारा अवशोषित टार से वहां की कोशिकाएं मर जाती हैं और यहीं से कैंसर की शुरुआत होती है। चाय के साथ सिगरेट के छल्ले जब उड़ने लग जाएं, तब समझिए कि मुसीबत आपके दरवाजे पर है। चाय की दुकान पर आप पहुंचे और गुटके की लट आपको नजर आ जाए तो समझ लीजिए कि मुसीबत आपके नज़दीक है। भाई नाम क्या तेरा? सूरज। सूरज, सूरज एक बात बताओ कि यहाँ जो लोग सिगरेट पीने आते हैं या गुटखा खाने आते हैं वो सब बड़े बड़े आते हैं या बच्चे भी आते हैं? बड़े आते हैं, बच्चे तो नहीं आते। बच्चे नहीं आते आजकल? बच्चे भी बहुत सिगरेट पीते हैं। वो तो पीते ही हैं। आप एक बात बताइए कि ये सिगरेट जो आप बेचते हैं आपको पता है कि सिगरेट पीने से क्या क्या होता है? हाँ, कैंसर की बीमारी होती है। और वो पता नहीं क्या वो दिखा रहा था, लार बन जाती है अंदर। अच्छा, टार लार। अच्छा, उससे क्या होता है? उससे कैंसर की बीमारी होती है, खून खराब कर देता है। खून खराब कर देता है। तो ये आपके साथ जो लोग यहाँ सिगरेट आके पीते हैं उनको भी पता होगा? हाँ, उनको भी पता है, फिर भी पीते हैं? फिर भी पीते हैं। सबसे ज़्यादा क्या सिगरेट बिकता है या गुटखा बिकता है? गुटखा सिगरेट दोनों बिकता है। दोनों बिकता है। तो गुटखा तो खुलेआम बेचना मना है लेकिन पुलिस वाले चेक नहीं करते ना? पुलिस वाले कहाँ करते चेक? नहीं करते हैं। इतना तो तय है कि सिगरेट हो, बीड़ी हो या तंबाकू किसी और भी फॉर्म में हो, खतरनाक तो उतना ही है। डब्बे पे लिखा होता है लेकिन जैसा भाई कह रहा है, ये एटीट्यूड ही आपकी जान का दुश्मन, आपको खुद ही बनाता है। मरना तो है ही एक दिन, इसका क्या मतलब है जहर आज ही निकल लें। तंबाकू से होने वाली बीमारियों की फहरिस्त बनाएं तो काफी लंबी बन सकती है। 80% मौतें स्मोकिंग की वजह से होती हैं। फेफड़ों की बीमारी, क्रोनिक बुकाइटिस और एम्फिसेमा जैसी बढ़ने वाली बीमारियां हैं जो स्मोकिंग से होती हैं। कोरोनरी हार्ट डिसीज होने की वजह भी स्मोकिंग है, जिससे खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर होता है। पैरों की नसों में रुकावट होती है, जिसमें पैरों की नसों में थक्के की रुकावट आने का जोखिम 16 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। दिमाग का दौरा, जिससे मरने वालों में 11% मरीज स्मोकिंग करने वाले होते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि जो लोग 20 या इससे ज्यादा सिगरेट या बीड़ी हर रोज पीते हैं उन्हें दिमागी दौरा पड़ने की आशंका दूसरों के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। मूत्राशय का कैंसर होने की संभावना, स्मोकिंग करने वालों को बाकी लोगों की तुलना में मूत्राशय का कैंसर होने का 3 गुना ज्यादा खतरा पैदा होता है। उसके डब्बे पर, उसके पैकेट पर लिखा होता है लेकिन उस लिखे को पढ़ने के बावजूद आप रुकते नहीं हैं, आप स्मोक करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है और उस नुकसान से आपको कितना बच के रहने की ज़रूरत है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अनुज बिश्नोई जी हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए आपका। तंबाकू, टोबैको से कितना नुकसान है, किस किस तरह की बीमारियाँ होती हैं? तंबाकू से हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। सबसे पहले तो स्मोकिंग, जो कि बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है हमारी सोसाइटी में, सबसे ज़्यादा सबसे पहले ENT सिस्टम डिस्टर्ब होता है। ENT के अंदर मुंह से धुआं लिया, नाक से निकाला, DNS हो जाता है। इसके अलावा जो है थ्रोट कंजेशन हो जाता है, वॉइस में भी डिस्टर्बेंस हो जाता है, फेफड़े में धुआं जाता है, तो सबको पता है कि फेफड़े का कैंसर हो सकता है। इसके अलावा फेफड़े के अंदर फाइब्रोसिस हो जाती है, दूसरी बीमारियाँ भी हो जाती हैं। और सबसे ज़्यादा जो तंबाकू जो कॉज ऑफ कैंसर है, कॉज ऑफ कैंसर मैक्सिमम जो है फेफड़े का कैंसर,
ये तंबाकू के धुएं की वजह से होता है। अलावा च्यूइंग टबैको भी होता है, लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं खाने में गुटखे के रूप में या और भी अलग अलग फॉर्म्स में, उससे क्या नुकसान है? च्यूइंग टबैको भी कैंसर का एक कारण है। मुंह के कैंसर ज़्यादातर च्यूइंग टबैको के कारण ही होते हैं। मुंह के कैंसर, जीभ के कैंसर, होंठ के कैंसर, गले का कैंसर, पेट का कैंसर, ये सारे जो है च्यूइंग टबैको से होते हैं। सिगरेट पीने की इच्छा या तंबाकू इस्तेमाल करने की इच्छा जो लोग कहते हैं कि एक तलब सी उठती है, वो क्यों? ऐसा होता है कि इसके अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम है निकोटीन। निकोटीन क्या करता है कि एक किक देता है आदमी को। आदमी ऐसे बैठा हुआ है, आपने देखा होगा सिगरेट पीने वाले कई कई दिन छोड़ देते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनको एक किक लगती है निकोटीन से, जिसकी उन्हें ज़रूरत महसूस होती है, तो उस किक को लेने के लिए वो बार बार उसकी तरफ जाते हैं। समाज का एक तबका बीमारियों की गिरफ्त में आकर दर्दनाक मौत मरने के लिए मजबूर है। सिगरेट, तंबाकू, गुटखों के पैकेटों पर चेतावनी लिखी होती है, पर लोगों पर चेतावनी का असर उतना ही होता है। एक एनजीओ के पास गए जो लोगों की तंबाकू छुड़ाने में मदद करता है और जाना कि कैसे लोग तंबाकू की लत को छोड़ सकते हैं। हर साल न जाने कितने लोग, 10 लाख के आसपास आंकड़ा माना जाता है कि हर साल मरते हैं हिंदुस्तान में इतने लोग। आपके, क्योंकि आप बहुत नज़दीक से इस पर काम कर रहे हैं, आप बहुत इस पर काम कर रहे हैं और इसमें जो लोग हैं उनको बहुत करीब से आपने देखा है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या परेशानियाँ हैं, क्या करें तो इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे हिंदुस्तान में? देखिए, सबसे पहले तंबाकू के कारण हर साल हमारे देश में 10 लाख लोग मर रहे हैं। करीब 9 करोड़ लोगों को कुछ ना कुछ बीमारी तंबाकू के कारण हर साल हो रही है। 27.5 करोड़ लोग हैं जो तंबाकू के का सेवन करते हैं और वो इस जाल में फंसे हुए हैं। इसको नियंत्रण करने के लिए हमें, हमारा एक बहुत अच्छा लॉ है कोटपा, सिगरेट्स एंड अदर टबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, उसको अगर हम लागू करें, उसका इन्फोर्समेंट करें हमारे देश में, तो बहुत उससे फ़ायदा होगा, तंबाकू का प्रयोग कम होगा। हमें तंबाकू के पे टैक्सेस बढ़ा देने चाहिए, तंबाकू प्रोडक्ट्स पे हरियाणा गवर्नमेंट ने उस टैक्सेस बढ़ाए हैं और हरियाणा गवर्नमेंट कोटपा का इम्प्लीमेंटेशन पे भी जोर दे रहा है। हाल ही में गुड़गांव पुलिस कमिश्नर ने लॉन्च किया है प्रोग्राम और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक बुकलेट, ये कोटपा के लागू करने के लिए इस पे जो गाइडलाइन है, सेक्टरल गाइडलाइन, ये हरियाणा पुलिस और हरियाणा हेल्थ गवर्नमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया है। तो अगर ये सब हम इन चीज़ों को हम अगर करें, हम इनको लागू करें, तो तंबाकू का देखा गया है कि तंबाकू का प्रयोग कम होता है। आप तंबाकू प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज, प्रमोट या स्पॉन्सर नहीं कर सकते। आप बच्चों को बेच या बच्चों से तंबाकू प्रोडक्ट बिकवा नहीं सकते। आप स्कूल के 100 गज के आसपास तंबाकू बेचना प्रतिबिंब है। और फाइनली, तंबाकू के पैकेट्स के ऊपर पिक्टोरियल वार्निंग होनी ज़रूरी है, आवश्यक है, जो रूल दिया गया है। हाँ, बहुत बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स आ गए हैं। आप अगर किसी युवक को, किसी माइनर को तंबाकू देते हैं या कॉज टू गिव, मतलब आप किसी के थ्रू भी दिलवाते हैं, तो 7 साल का जेल आपको हो सकता है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, और 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। तो ये जे एक्ट के नीचे हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं तंबाकू के प्रयोग से। भारत के कई राज्यों में गुटखे पर बैन है, लेकिन बाजार में खुलेआम जहर बिक रहा है। ये जानना आश्चर्य की बात होगी कि तंबाकू विरोधी अभियानों पर दुनिया के देश जितना खर्च करते हैं उससे 5 गुना ज्यादा वो तंबाकू पर टैक्स लगाकर कमाते हैं। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ऐसी जिंदगियों से मिलवाएंगे जो कैंसर के साथ अपनी घुटी हुई जिंदगी जी रहे हैं, जिसको देखकर आप भी तंबाकू छोड़ने की प्रेरणा ले सकते हैं।
ब्रेक से पहले हमने जिक्र किया था कि हम आपको एक ऐसी जिंदगी से मिलवाएंगे जिसको सिगरेट की लत थी और कम उम्र के चलते उसको कैंसर हो गया। मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूँ कि मैं आपको डराना चाहता हूँ, क्योंकि आपका डर ही होगा जो आपको मौत के मुंह में जाने से बचाएगा। और इस डर को और पुख्ता करने के लिए मैं आपको एक ख़ास व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूँ। आपने हार्ट अटैक सुना होगा, हार्ट अटैक के नाम से भी डर लगता है। किस उम्र में यह हार्ट अटैक होता है? लोग कहते हैं 40-45 के बाद इसका खतरा बढ़ जाता है, लेकिन अगर कोई आपको ये बताए कि 23-22 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक हो सकता है तो आप ज़रूर चौंक जाएंगे, आपका डर आपका खौफ ज़रूर बढ़ जाएगा। जब मैंने ये शुरू की थी सिगरेट पीना तो मैं 20 साल का था, तब जब मैं अपने फाइनल ईयर में था कॉलेज में, तो एक एक से लूज लेनी स्टार्ट की, फिर उसके बाद एडिक्शन होती गई, धीरे धीरे मैं बढ़ाता गया और 23 साल की एज तक मेरा ज़्यादा मतलब 2 पैक्स एक दिन के स्टार्ट कर दिए थे मैंने पीने के लिए, तो वो इतने ज़्यादा हो गया। और सितंबर लास्ट ईयर ही मैं ऑफिस में अपने बैठा हुआ था, अभी पहुंचा था, तो मेरे ना बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन स्टार्ट हो गई। ये कभी पेन हुई नहीं थी ऐसी, कभी पता ही नहीं क्या हुआ मेरे को, मेरे स्वेटिंग मतलब पसीना बहुत बुरे तरीके से आना स्टार्ट हो गया। तो 5-10 मिनट जब ये चलती रही ना, तो मैं उस टाइम पे लेट गया अपने ऑफिस की ज़मीन पे, क्योंकि मेरे से बैठा नहीं जा रहा था। जब मैं लेटा तो मैं अनकॉन्शियस होना स्टार्ट हो गया, मेरे को होश नहीं आ रही थी, मेरा एक हाथ मतलब वो हो रहा था कि इसमें जान नहीं है। तो जब मेरे को लगा कि अब मैं जा रहा हूँ, तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि अपना तो एम्बुलेंस बुला ले, अब मेरे को लग रहा है कि मैं नहीं रहूँगा। और जब मैं लेट गया था अपने नीचे फ्लोर पे ऑफिस के, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में जो मेरे पिछले 20 साल थे वो घूमना स्टार्ट हो गए कि बस अब नहीं, अब मेरे को लग रहा है कि मैं जा रहा हूँ। बट लकीली यहाँ टाइम वैसा था कि एम्बुलेंस पहुँची। जब मैं एम्बुलेंस में जा रहा था या डॉक्टर मेरे पास थे, मेरे को होश नहीं थी, पर मेरे मुंह से सिर्फ एक चीज़ निकल रही थी कि डॉक्टर मैं मरना नहीं चाहता हूँ। एक दिमाग में वो चीज़ बस बैठ जाती है कि सिगरेट पीने से कम होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। पहले मैं क्लियर कर दूँ इस चीज़ को कि कुछ रिलैक्समेंट जैसा कुछ नहीं होता, बस आपका एक तरह से आपको ये फील होता है कि मैं ठीक हूँ ये पीने से, बट जबकि वो एक्चुअली गलत है। 5 दिन था ICU में पड़ा हुआ, मेरे को कुछ नहीं पता चल रहा है, मैं आराम से लेटा हूँ और कर रहा हूँ। मेरे घर वाले, मेरे मम्मी माँ बाप मेरे नीचे बैठे हैं, रो रहे हैं, कोई भी रोएगा, क्योंकि मतलब अभी भी मेरे में इतनी हिम्मत नहीं पड़ती है उनको बोलने के लिए कि सॉरी, मतलब वो टूट चुके हैं। और बहुत 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 थैंक यू और बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। आप आगे भी इसी तरह से ब्रांड एम्बेसडर बनकर हम चाहेंगे कि ये इसी तरह से सबको बताते रहें कि जब 23 साल में इनको फेस करना पड़ा तो किसी को भी फेस करना पड़ सकता है। तो आज है मौका, अभी है मौका, अगर आप तंबाकू किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं छोड़ दीजिए, मौत करीब है। अगला शख्स आपको अंदर तक झकझोर सकता है और एक जीता जागता उदाहरण आपको चेतावनी दे रहा है कि कैसे ये तंबाकू जानलेवा होता है। बस बहुत हो गया, अब और नहीं, तंबाकू के लिए नो कहना सीखना होगा आपको। पीसी बत्रा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बत्रा जी, ये कैसे हुआ, क्या हुआ था आपको? एक्चुअली मैं सिगरेट बहुत पीता था। आई स्टार्टेड स्मोकिंग द एज ऑफ 21 इयर्स। आई वाज स्मोकिंग फ्रॉम 1-5 पैकेट्स इन अ डे। अदर द रीजन इट हैज अ लॉट हैपेंड। हुआ क्या आपको? मुझे कैंसर हुआ था, थ्रोट कैंसर। I was not knowing it. I was feeling a little bit pain. I just told it to doctor. He said, so any pain, you take painkiller. After 2-3 months, it was detected that it is a cancer actually. ये बोल नहीं सकते थे। एक device, एक machine जो है, इनके गले के अंदर लगाई गई है और उसकी मदद से ये बोल पा रहे हैं। वो किस तरह की machine है, क्या करती है? Important machine है। This is the thing which actually क्या है, जो main हमारा vocal cord होता है, gives voice. That has been removed. So quite difficult to speak. Now a small plastic machine has been put inside the tissue. So with the help, I'm speaking. I have to keep finger, the thumb over there. There is a hole inside. So I have to keep it, my thumb, then I speak. ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। कल तक गाना गाते थे, मुस्कुराते थे, अपने साथ होते थे तो चीखते थे, चिल्लाते थे, खुशी मनाते थे, लेकिन खुशियाँ शायद कहीं छिप सी गई। इन लोगों की स्थिति को देखकर अगर आपका मन तंबाकू छोड़ने का कर रहा है पर इसकी लत छूट नहीं रही है, तो आपको ऐसे लोगों से मिलाते हैं जो आपकी इसमें मदद कर सकते हैं।
कई ऐसी संस्थाएं हैं जो टैबेको को जिंदगी से दूर करने का काम कर रही हैं और लोगों को जागरूक कर रही हैं। वर्ल्ड नो टोबैको डे, आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, कारगर है, इसको और बेहतर करना चाहिए? सी, वर्ल्ड नो टोबैको डे हर साल होता है, 31 मई को मनाया जाता है, ग्लोबली मनाया जाता है। एंड इस साल का जो थीम है इस बार प्लेन पैकेजिंग है, वो भी ग्लोबली है। सो सारे कंट्रीज इस एक पॉलिसी है जिसके टूवर्ड्स वर्क कर रहे हैं। अब प्लेन पैकेजिंग आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि क्या है। जो एक सिगरेट का पैकेट होता है उस पर वार्निंग पूरी 85% पूरा ग्राफिक वार्निंग से फुल होता है। वो जो गवर्नमेंट है वो आपको एक स्पेसिफिक मैंडेट देती, मैंडेटरी फॉन्ट साइज फॉर्मेट उसका देती है कि एक ये पैकेट है, यहाँ पर आपने सिर्फ अपना एक नाम, अपना ब्रांड लिखना है, बाकी सारा वो फुल होगा ग्राफिक वार्निंग से। मतलब जैसे इंडिया में अभी 85% पिक्टोरियल वार्निंग्स आई हैं, उनका जो एक कैंसर पीड़ित का उसमें इमेज है वो उसमें रहेगा, और एक जैसे फॉर एग्जांपल एनी ब्रांड वो उसमें एक स्पेसिफिक फॉन्ट में रहेगा। वहाँ पर हम पूरे नेशनली काम करते हैं, उसमें हमारे पास 250 डॉक्टर्स हैं। वॉइस ऑफ टोबैको विक्टिम्स कैंपेन है ये, जिसमें जो ऐसे पेशेंट्स हैं वो कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, हम आगे आएँ ताकि हम औरों को बचा सकें। इसीलिए अब ये मैं कमिंग बैक टू इट दैट प्लेन पैकेजिंग जो है अट्रैक्टिव नहीं होनी चाहिए, पैकेज जो है वो अट्रैक्टिव ना हो। अगर आप 10 लाख लोग इंडिया में मर रहे हैं हर साल तंबाकू के कारण, जिसमें से 5500 बच्चे रोज़ तंबाकू का उपयोग शुरू करते हैं किसी ना किसी रूप में, 5500 ये आंकड़े हैं। पर जब आपके सामने एक पेशेंट आता है जिसकी जो खुद तो बर्बाद नहीं हुआ, उसकी सारी ज़िंदगी, सारे फैमिली सब बर्बाद हो गई है। हरियाणा में भी बैन है च्यूइंग टोबैको और उसके डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो बैन है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है या उसके एग्जीक्यूशन की बात आती है, उसको फोर्सफुल एग्जीक्यूशन अब तक नहीं हो पाया, गवर्नमेंट को उस पर थोड़ा और फोकस। बिल्कुल सी, पहला कदम हमारा होता है कि एक नोटिफिकेशन आना, वो हमारा पहला कदम हरियाणा ने ले लिया है। अब हमारा है कि हम लोग सेंसिटाइज करेंगे पुलिस को और बाकी जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं कि इसको एनफोर्समेंट भी करी जाए, पर उसके कुछ सक्सेसफुल मॉडल हैं किस तरह एनफोर्स कर रहे हैं, उसके लिए हम सेंसिटाइज करेंगे इसी तरह जैसे पेशेंट्स आके बात करेंगे उन डिपार्टमेंट्स से। सी, पुलिस के लिए प्रायोरिटी कुछ और है, पर उनके उसमें प्रायोरिटी में ये चीज़ लाना, क्योंकि चलान तो उन्होंने ही करना है। अब प्रिंसिपल या मैं जाके चलान तो नहीं कर सकती, वो चलान करेंगे। जब वो चलान करेंगे पर उनको बताना भी तो है कि ये ऐसे इस तरह का, इसकी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब इतना ज़्यादा हार्मफुल है ये, आपके एक कदम लेने से ये एनफोर्समेंट होने से इतनी जानें बच सकती हैं। डॉक्टर ने बताया कि आखिर तंबाकू की लत क्यों लगती है और कैसे कोई इतना एडिक्टेड हो जाता है और तंबाकू को कैसे ना कहा जा सकता है। 31 मई वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है सारे संसार भर में, विशेषकर भारतवर्ष में इसका नो टोबैको डे भी मनाया जाएगा, जिसके टोबैको का संबंध उससे ट्यूमर या क्या कैंसर से संबंधित है जाना, इसके सेवन से, टोबैको के सेवन से जो कि अलग अलग फॉर्म में अलग अलग इसका सेवन किया जाता है, बीड़ी में, सिगरेट में, हुक्का में और इस गुटके से भी होता है, तो इसमें कैंसर का जो खास तौर पर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, लंग का, फेफड़ों का कैंसर, माउथ का कैंसर, लिप्स का कैंसर, गम्स का कैंसर, टंग का, जीवा का कैंसर इसमें पाया जाता है, और ख़ास तौर पर जो स्मोकिंग से नॉन स्मोकर्स भी, जिसको पैसिव स्मोकिंग कहते हैं कि भी दूसरा बैठे हैं दूसरे भी है, तो उनको भी इसमें हानि पहुंचती है और उनको भी कैंसर होने की संभावना बन जाती है। ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि इसका स्मोकिंग के साथ साथ पीना, बीड़ी सिगरेट का पीने से और दोनों को घुटकर दोनों का खाने से भी, दोनों से और भी ज़्यादा उसमें खतरा बन जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि तंबाकू का सेवन, नो टोबैको डे का मतलब है कि इसमें तंबाकू का सेवन किसी भी प्रकार में, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो बीड़ी सिगरेट के
की फॉर्म में या उसके खाने की भी फॉर्म में या गुटखा की फॉर्म में इसका करना, खास तौर पर महिलाएं में देखा गया है कि आजकल पढ़ी लिखी महिलाओं में इसका प्रचलन ज़्यादा हो गया है। उसको बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट बात है, सिचुएशन है, इसमें क्या कहते हैं मिसकैरेजेज हो जाती हैं बच्चों में, अब नॉर्मलिटी जो कंजेनिटल एनोमली के चांसेस हैं, अतः ये तो बिल्कुल महिलाओं को बिल्कुल इसका सेवन नहीं करना चाहिए, पुरुषों के साथ साथ इसको बिल्कुल ही इससे बचना चाहिए। और टोबैको ताकि एक हेल्दी हमें सोसाइटी बनाए तो इस नो टोबैको डे को वास्तविक ढंग से इसको हमें ऑब्जर्व करना चाहिए और एकदम से इसका टोबैको का सेवन बंद होना चाहिए। बात आम भाषा में बताना चाहूँगा कि जो विश्व स्वास्थ्य सेवा जो संघ है उसने यही कहा है कि इसका टोबैको नो टोबैको डे मीन्स कभी एक दिन नहीं करके हमेशा के लिए टोबैको का सेवन बंद होना चाहिए, ये मेरा कहना है। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर आप ठान लीजिए, अभी भी देर नहीं हुई है। अपने लिए ना सही पर एक बार परिवार के लिए छोड़ने की कोशिश की जा सकती है। तंबाकू को जिंदगी से निकाल दीजिए। अंदर की तलब आपको सिगरेट पीने को मजबूर जरूर करेगी, लेकिन एक बार ठान लो और तंबाकू को ना कहो, तभी आज का दिन यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे सफल हो पाएगा।